हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज में मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी के इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं सेनपा स्पाइडर के बारे में। तो क्या भाई, सेनपा स्पाइडर एंड एक और भी काफी ज्यादा यार पॉपुलर माइनक्राफ्ट यूट्यूबर का कोलैब होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो स्पॉट हूँ जिन्हें ऑलरेडी यार आप लोग जानते हो काफी ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर है, ये कल यार अपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्यूएनए कर रहे थे। और वहीं पर भाई उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेनपा भाई के साथ कोलैब कब कर रहे हो स्पॉट भाई, मुझे आप दोनों को एक साथ देखना है वीडियो में, प्लीज कोलैब कर लो। जिसका स्पॉट यार रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं ओके भाई कर लेंगे कोलैब सेनपा भाई के साथ। ऑल्सो सेनपा के रिलेटेड यार कोलैब करने के रिलेटेड है स्पॉट को एक और भी क्वेश्चन आया था, जिसमें ये बंदा ही पूछता है यार सेनपा के साथ कोलैब कब करोगे, जिसमें यार स्पॉट रिप्लाई करते हैं उनका एंड वो कहते हैं करेंगे ब्रो फ्यूचर में। स्पोडो के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पोडो कल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भाई क्यूएनए सेशन वगैरह कर रहे थे, तो वहां पर भाई उनको एक और भी क्वेश्चन आता है कि भाई गेमर फ्लीट के साथ कोलैब करोगे, जिसका स्पोडो यार रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं देखो मैं तो रेडी हूं बट फ्लीट भाई का नहीं पता। बाकी आप लोगों में से कितने सारे लोग स्पोडो एंड सेनपा का कोलैब देखना चाहते हो भाई, मुझे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात लेते हैं ड्रीम बॉय के बारे में। तो भाई ड्रीम बॉय ने रोस्ट कर दिया है बीटीएस आर्मी को। आप लोग को यार पता होगा कि बीटीएस यार काफी ज्यादा पॉपुलर यार ग्रुप है, और ऑल्सो उसके यार फैंस भी काफी ज्यादा क्रेजी रहते हैं यार बीटीएस के लिए। तो उन्हें यार बीटीएस आर्मी या फिर बीटीएस फैंस को यार ड्रीम बॉय ने अपने रीसेंट वाली वीडियो में काफी तगड़े तरीके से भाई रोस्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा था देखिए आप लोग। यू लाइक बीटीएस? यस आई लाइक बीटीएस सो आई विल मैरी ऑल सेवन ऑफ देम। अरे तेरी औकात क्या, तू बीटीएस को कैसे कुछ बोलता है? तुझे पता है पूरे दुनिया में उनकी आर्मी है, हम मिलके तुझे तोप से। What? I will marry seven of them. भाई पहली बात तो ये, उनमें से अगर कोई एक शादी कर भी लेगा तो बाकी छह बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ये कैसा वहम है भाई इन लोगों के दिमाग में। भाई ठीक है ठीक है ठीक है, इसका क्या मतलब भाई तुम लोग की पूरी आर्मी पूरे दुनिया के अंदर है, तुम लोग तोप से उड़ा दोगे हम लोगों को? ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई। भाई बीटीएस आर्मी इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, मेरे को तो नहीं पता था। अगर तुम में से कोई बीटीएस आर्मी वाला है तो प्लीज मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करो क्या तुम लोग खतरनाक हो इतने। अगर तुम लोग इतने खतरनाक हो तो अगली बार किसी कंट्री में वॉर होगी तो तुम्हें छोड़ देंगे। वो शिट नहीं बॉय, नहीं बोलना चाहिए, क्या कह रहा हूँ मैं। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं एडिन रॉस के बारे में। तो क्या भाई एडिन रॉस जो है वो GTA 6 गेम में देखने को मिलने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो लाइक होता क्या है कि अभी यार कुछ दिन पहले एडिन रॉस ने अपने यार सेकंड ट्विटर अकाउंट से ये एक ट्वीट कर दिया था, जिस ट्वीट में यार बेसिकली यार वो यही कह रहे थे कि भाई GTA 6 के अंदर यार उनका भी एक कैरेक्टर होने वाला है, लाइक GTA 6 के अंदर उनका एक रोल है। अब इस चीज को यार लोग काफी ज्यादा यार मजाक में ले रहे थे कि भाई एडिन रॉस जो है वो प्रैंक वगैरह कर रहे होंगे, ऐसे ही भाई पागलपंती वगैरह कर रहे हैं एंड झूठ वगैरह बोल रहे होंगे। बट अभी रिसेंटली यार कल ही एडिन रॉस यार जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहां पर भी भाई उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि वो GTA 6 में हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बारे में देखिए आप लोग। Yeah, I will be in GTA 6. I can't speak on a lot of like when, but you'll see me one of the following trailers, probably beginning to mid next year. And I saw people saying you shouldn't be in it, you shouldn't be in it. I made SSB World, and that's the almost probably like one of the most mainstream servers of all time. And the city, and the game is based in Miami. You'll see. I don't play a big role in GTA 6, but I play a role where it's like, oh shit. अब अगर GTA 6 के रिलेटेड बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं फ्लोरिडा जोकर के बारे में। तो भाई फ्लोरिडा जोकर ने यार लगाया है एक बहुत बड़ा एलिगेशन GTA 6 गेम के ऊपर। अब लाइक होता क्या है कि अगर आप लोगों ने भी यार अभी तक GTA 6 का ट्रेलर देखा होगा तो आप लोगों ने यार देखा होगा एक सीन में कि एक जोकर हमें देखने को मिलता है GTA 6 के ट्रेलर में। अब यार फ्लोरिडा जोकर का ये कहना है कि भाई सेम टू सेम कॉपी करी गई है यार उनकी, लाइक ये जो कैरेक्टर बनाया गया है GTA 6 गेम में वो उन्हीं को देख के बनाया गया है, एंड रॉकस्टार गेम्स वालों ने लाइक GTA की जो पेरेंट कंपनी है रॉकस्टार गेम उसने भाई कॉपी किया है। और फ्लोरिडा जोकर का यार ये भी कहना है कि रॉकस्टार गेम वालों ने यार कोई भी यार परमिशन वगैरह भी नहीं ली है फ्लोरिडा जोकर से उनके फेस के अपीयरेंस को यार यूज करने के लिए GTA 6 में, और इसलिए भाई जो अभी फ्लोरिडा जोकर हैं वो भाई डिमांड कर रहे हैं रॉकस्टार गेम से कि वो उनको $2 million दें, वरना वो उन पे भाई कोर्ट केस वगैरह करने वाले हैं। फ्लोरिडा जोकर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक यार पोस्ट को भी किया था इसके रिलेटेड, saying that I'm hallucinating. Everybody saying that I'm hallucinating, that I'm not the Joker from GTA 6. Out your goddamn nuggets. That's me. That's the person that got the inspiration from. You see that? That's me. That's me. That's me. GTA, we gotta talk, GTA. We gotta talk. Or not, you gotta give me like a meal or two. So what's up?
Holler at me, GTA, Rockstar Entertainment, Rockstar Games, Rockstar Enterprise. Florida joke ain't having that. Y'all took my likeness. अब अभी के टाइम पे यार जो भी एलिगेशन वगैरह लगा रहे हैं यार फ्लोरिडा जोकर, इसके लिए यार उन्हीं को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बिकॉज भाई लोग यही कह रहे हैं यार कि जीटीए 6 ने यार जो जोकर का फेस यूज किया है वो तुम्हारे जोकर के यार फेस से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसका टैटूज वगैरह भी तुमसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। एंड अगर तुम उन पे यार कोर्ट केस वगैरह करोगे रॉकस्टार गेम पे तो वो इजिली यार उस केस को जीत भी जाएंगे एंड तुम्हारे ही पैसे चले जाएंगे। एंड ऑल्सो आप लोग का यार क्या कुछ रिएक्शन है इस एलिगेशन के ऊपर, अपने रिएक्शन को यार मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं मैक्सटन के बारे में। तो क्या एक रीजन की वजह से मैक्सटन को एक काफी बड़ी ट्रबल हो सकती है, इसी चीज के रिलेटेड यार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया। उन्होंने क्या कुछ बताया इसके रिलेटेड देखिए आप लोग। भाई 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 ये मेरे को घर से उठाने का काम कर रहा है मैक्सटन, एंग्री रिप्लाई टू नरेंद्र मोदी। भाई मैंने नरेंद्र मोदी जी को कब एंग्री रिप्लाई दिया भाई, कुछ भी बोल रहा है ये भाई। अगर मेरे को घर से उठवा लिया जाए तो इसकी वजह ये होगा ये। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो भाई टोटल गेमिंग ने अपने फेस रिवील के रिलेटेड थोड़ा सा अपडेट वगैरह देते हुए अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक मीम को शेयर किया था। अब ये वाला मीम कुछ इस टाइप का था कि पहले यार लिखा जाता है अभी तक सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो, और उसके नीचे वाले लाइन में लिखा जाता है अज्जू भाई खुद कर देंगे फेस रिवील, जरा टाइम तो आने दो। अब बाकी यार वो टाइम कब कुछ आएगा वो तो भाई अज्जू भाई जाने, क्योंकि भाई इतने सालों से वो टाइम आ ही रहा है। बाकी टोटल गेमिंग के फेस रिवील के रिलेटेड और भी यार कुछ अपडेट्स वगैरह मेरे को मिलेगी तो भाई मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। बाकी उन्होंने कहा था कि वो इस साल यार कर देंगे, लाइक इसी महीने में कर देंगे, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं गेमर फ्लीट के बारे में। तो यार आप लोग को पता ही होगा कि गेमर फ्लीट ने एक महीने से भाई लिलीविल की कोई भी लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं करी है। एंड लिलीविल की लाइव स्ट्रीम के रिलेटेड यार अपडेट देते हुए उन्होंने अपने चैनल पे कल एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें वो कहते हैं सैटरडे को शाम 6 बजे रिकॉर्ड ब्रेकिंग लिलीविल की स्ट्रीम हो जाए। एंड गेमर फ्लीट की इस कम्युनिटी पोस्ट के भाई कॉमेंट्स में सारे लोग भाई यही कह रहे थे कि हाँ भाई सैटरडे को ही कर दो लिलीविल की लाइव स्ट्रीम शाम 6 बजे। तो फाइनली यार आज ही मतलब कि सैटरडे के शाम 6 बजे भाई लिलीविल की लाइव स्ट्रीम होने जा रही है। तो जितने भी भाई लिलीविल के फैंस बावले हुए पड़े थे कि भाई लिलीविल की स्ट्रीम कब होगी भाई 6 बजे देख लेना, 6 बजे से लिलीविल की स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो भाई मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं यस स्मार्टपाई के बारे में। तो क्या भाई स्मार्टपाई ने प्रोवर्स 95 की कॉपी करी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप लोग को पता होगा कि अभी यार 10 दिन पहले स्मार्टपाई का हिमलैंड का सीजन 6 का पहला एपिसोड हमें देखने को मिला था। अब उस एपिसोड में हमें यार एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि ये कैरेक्टर था, आप लोग देख पा रहोगे। एंड आल्सो यार अगर आप लोग हिमलैंड्स के साथ में यार प्रोवर्स 95 के डार्क हीरोज यार माइनक्राफ्ट की सीरीज को भी देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि ये जो यार हिमलैंड्स का भी एक न्यू कैरेक्टर आया है, ये कैरेक्टर भाई डार्क हीरोज के काइरो कैरेक्टर से बहुत ज्यादा मैच खाता है। आप लोग यार दोनों ही यार कैरेक्टर्स को साइड बाय साइड देख सकते हो, काफी ज्यादा भाई सिमिलर दिखते हैं दोनों। तो क्या भाई स्मार्टपाई ने डार्क हीरोज की कॉपी करी है हिमलैंड्स में न्यू कैरेक्टर लाने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इस चीज के रिलेटेड यार बात करते हुए एक यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ मैक्स ओब्रायन जो कि यार डार्क हीरोज के रिलेटेड यार कुछ थ्योरीज वगैरह को अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो उन्होंने यार बात किया कि क्या स्मार्टपाई ने भाई डार्क हीरो सीरीज से ये कैरेक्टर को कॉपी किया है, उसकी स्किन को कॉपी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए आप लोग। ये जो बंदा जो हम लोग को हिमलैंड में दिखा था ठीक है, इसका स्किन देखो, ये काइरो का स्किन देखो ठीक है, दो स्किन है ठीक है, इन दोनों स्किन में भाई कितना अंतर है ठीक है। इसका स्किन देखो और इस वीडियो के थंबनेल का स्किन देखो, आई नो तुम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि भाई स्मार्टपाई ने कहां से इस स्किन को थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ है। देखो भाई लोग मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि भाई स्मार्टपाई ने डार्क हीरोज या फिर वर्ल्ड ऑफ मेज से थोड़ा बहुत कॉपी वगैरह किया है ठीक है। देखो जो मतलब मैं तुमको चीज बताने वाला वो चीज तुम पहले देख लो ठीक है, मतलब समझ लो कि मैं क्या तुमको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली हिमलैंड का सीजन 5 कह सकते हो तो बोरिंग था ठीक है। देखो स्मार्टपाई ने बहुत कुछ इंप्रूव किया है हिमलैंड सीजन 6 में, जैसे कि सिनेमैटिक शॉट्स उन्होंने अच्छे खासे लेना मतलब स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत बोल सकते हो भाई एडिटिंग में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला सीजन 6 में। इस वजह से हो सकता है कि भाई देखो फर्स्ट एपिसोड है सीजन 6 का तो उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया तो भाई उनको ये जो स्किन है मतलब उनको अच्छा लग रहा हो तो उन्होंने लगा लिया होगा। बट अगर इस चीज को हम लोग देखकर ये बोले कि भाई स्मार्टपाई ने कॉपी वगैरह किया तो ये चीज कहना बहुत ज्यादा गलत है। देखो माइनक्राफ्ट में कोई भी कोई मतलब कहीं का भी स्किन लगा सकता है ठीक है, ये ऊपर से एक माइनक्राफ्ट सीरीज है तो भाई इसको एंजॉय करो यार, किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज देना है कि जब न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज सबमिशन के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग वहां पर जाकर कुछ न्यूज को सबमिट करोगे तो यार डेफिनेटली मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।